नमस्कार। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है मेंसुरेशन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जब हम त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज का कैसे पता लगता है कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? मान लीजिए मैंने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 3 और 4। अगर ये पाइथागोरस को, ये नंबर जो हैं वो पाइथागोरस को होल्ड करते हैं, तो ये त्रिभुज क्या होगी हमारी? समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है दो जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी जो दो नंबर है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना होगा 25। तो ये कौन सी त्रिभुज है हमारी? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो त्रिभुज का एरिया होता है, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या यूं कह ले हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, कहता है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 29 मीटर और 21 मीटर है। 20, 29 और 21, तो हमने देखा सबसे पहले, और कुछ मुझे दिया हुआ नहीं है यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड, तो मैं ये चेक कर रहता हूँ क्या ये त्रिभुज कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो वो बड़ा नंबर है, ये त्रिभुज है आपकी 29 हाइपोटेनस होगी, ये 21 और ये 20, कोई भी मान लो, ये चाहे 20 मान लो या 21 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी भुजा है वो आपकी हाइपोटेनस होगी या कर्ण होगी। पहले देख लेते हैं ये पाइथागोरस को होल्ड करती भी या नहीं करती, अगर करेगी तो ही हम इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। कहते हैं 29 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 841, 21 का स्क्वायर तो 441 प्लस 20 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 400, जो कि मिलकर हो जाता है 841, यानी कि ये त्रिभुज जो है हमारी वो कौन सी है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, ये पता लग गया समकोण त्रिभुज है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या है। अब यहां पर फसल लगाई गई होगी, अब हर प्रति वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है? 15 रुपए का है। तो पहले मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पूरा, कि भाई क्षेत्रफल क्या है, ये त्रिभुज कौन सी है? तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हमारा 20, हाइट 21, ये एरिया आ जाएगा, है ना, ये एरिया आ जाएगा। अब एरिया आ जाएगा हमारा 2 से 20 कट गया तो 21 जीरो, यानी कि 210 आ गया, ये 10 आ गया था ना, 10 पे कटा और हमने 10 को 21 से गुना किया तो कितना आ गया? 10 आ गया, ये एरिया आ गया स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एक मीटर का, एक प्रति वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है? 15 रुपए। तो इतने वर्ग प्रति मीटर का खर्चा करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 3150 रुपये, यानी कि जो खर्चा है वो है 3150 रुपये, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में जब आप एक बार कंसेप्ट करके रखेंगे तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।